तो विघ्न हरण मंगल करण और श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरी पूरण कीजिए। तो हमें चिंता नहीं उनकी और उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो आ जाइए समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के समक्ष इस अजय कैसेट कंपनी के द्वारा मैं उपमा शास्त्री गांव जमलापुर की ओर से आप लोगों को ऊधो गोपी संवाद की तरफ लेकर के चलते हैं। इस अजय कैसेट कंपनी एटा की ओर से जिस वक्त भगवान कन्हैया गोपियों से परसों की कह करके चले गए हैं मथुरा के लिए, और जब बरसे सी बीत गई भगवान कन्हैया जब लौट करके नहीं आए हैं, इधर तो मैया यशोदा और साथ की सभी गोपियां भगवान कन्हैया के वियोग में बड़ी व्याकुल हैं। क्योंकि यशोदा समझाती हैं, कहती है ललिता राधा तुम्हें को अकेला कन्हैया दुख दे करके नहीं गया है, उस कन्हैया को मैंने ऐसे नहीं बड़े लाड़ प्यार दुलार से पाला था, तुम नहीं जानती हो रात वो कन्हैया चलो गो बहुत मोसे तुम। जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गया है उस दिन से न भूख लगती है न प्यास लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता। ललिता बल्कि देवकी की कोख से पैदा हुआ था, लेकिन मैंने कोयल के सुत का गाने पाले प्यार करो भरपूर और तेजी श्याम को हमने पालो अंत में वही आंखों में आंसू आ गए। मैया कन्हैया वास्तव के जितना ऊपर से काला उतना ही अंदर से भी काला है। हम जैसे गोपियों को बंसी की धुन पर नचाया करता था, लेकिन परसों की बात कहकर के आज बरसे सी बीत गई लेकिन कन्हैया नहीं आए। मालूम है मैया आपस में गोपियां बातें करती हैं, सहेली तुम्हें नहीं मालूम दुख क्या होता है। मिलने की आस छूटती है
बड़ी व्याकुल है गोपियां। भगवान कन्हैया जहां अपनी शहर कच्छ में इधर सो रहे थे, सोते सोते अचानक चौंक पड़े हैं। सपने में वही गोपियां और मैया यशोदा बाबा नंद उन्हें नजर आने लगे। एकदम से उठ करके बैठ गए आधी रात के वक्त। भगवान कन्हैया अपनी प्रिय सखा उधो को बुला लिया है। उधो से कहा है, उधो तुम्हें पता है कि मैं प्रेम वश्य कहलाता हूँ, जिस जगह मुझे प्रेम दिखाई देता है मैं उस जगह बंध जाता हूँ, लेकिन मैं बड़ा अभागा हूँ, बड़ा निर्दयी हूँ। उधो कहने लगे, ऐसी क्या बात है प्रभु, आज तुम अचानक आधी रात के वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले, तुम्हें मालूम है कि जब मैं वृंदावन से आया था, उन गोपियों से परसों का वादा करके आया था, लेकिन आज वर्ष ऐसी बीत गई, मैं लौट करके नहीं गया। क्या हाल उन गोपियों का होगा, प्यारी प्यारी गऊ में बछड़ा, क्या हालत होगी उनकी। इधर सभी गोपियां अनजान सी बन गई और बोली, कन्हैया कहाँ चले गए, क्यों चले गए हमें छोड़ करके? एक मन से प्रश्न कर बैठी है कन्हैया, अरे कहाँ चले हो प्राण हमारे, हमें पराया करके, और विरह वियोग सहानी जाए बोली आई मैं। Yeah.
जवाब दिया है भगवान कन्हैया। इधर जहां मथुरा में प्रिय सखा उद्धव से बोले हैं, उद्धव जिस दिन मैंने वृंदावन को छोड़ा था उस दिन से आज तक मैं वहां लौट करके नहीं गया, आखिर वो लोगों को कैसे तसल्ली आती होगी जो मुझे देख देख के जिया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, दुख इस बात का है जब उस वृंदावन की गलियों से मैं गुजरता था, कुंजों से गुजरता था, बागों से गुजरता था, तो बाग में बाग के पत्ते मेरे मोर मुकुट में ऐसे लगते थे न जाने कितना प्यार करते हैं। इसी तरह से उदो बोले हैं भगवान कन्हैया से, हमें बताओ हमारे लायक जो सेवा वो हम आपकी सेवा करने को तैयार है। जवाब दिया, तुम बस मेरा एक काम कर, तुम मेरा एक पत्र लेकर के वृंदावन में चले जाओ। वृंदावन में जाकर के वो पत्र ले जाकर मेरे बाबा नंद, मैया यशोदा और हमारी गोपियों को समझा देना। जाकर बोले सकता, जब तुम्हें न पाकर के गोपियां इतनी व्याकुल होंगी उन्हें समझाना हमें मुश्किल पड़ जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा है उद्धव ज्यादा मत के अलवाओ, तुम चले जाओ वृंदावन के लिए। भगवान कन्हैया ने अपना ही मोर मुकुट, अपना ही पीताम्बर, अपना ही रथ दे दिया है, चले जाओ। उद्धव जैसे ही आगे बढ़े हैं, जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा, भगवान कन्हैया की याद में हर गोपी उनकी रास्ता ने आ गई है। देखा है उद्धव ने आगे बढ़ करके कि हरियाली हरियाली बन कर पर हरि का आगमन निहारी, भगवान कन्हैया की याद में व्याकुल है। गोमधन पहाड़ से
सुधों ने ये सब देखा है। आगे बढ़ गए लला गोपाल, आगे बढ़कर के जहाँ एकांत में सभी ग्वाल वाल अपनी टोली में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। भैया जब हम कन्हैया के साथ आया करते थे गैया चराने, गैयों को इधर उधर छोड़ देते थे, वो माखन छीन छीन खाया करते थे कन्हैया के साथ, वो माखन में जो स्वाद आता था वो माखन में स्वाद नहीं आता, कन्हैया के बिना सब सूना सूना लगता है। लेकिन उधो इधर से जब आगे बढ़े तो आगे उधो को आते हुए देखा, एक ग्वाला कहने लगा, अरे भैया आज हमें लगता है कन्हैया हम पर खुश हो गए, ऐसा लगता है सामने से कन्हैया का रथ आ रहा है। दूसरा बोला किधर से, तीसरा उठ करके भाग पड़ा है, वो कन्हैया कैसा ही पीतांबर लहरा रहा है। बाबा नंद भी भाग पड़े हैं, जो जहां जिस तरह से बैठा था वो वैसा ही भाग पड़ा है कन्हैया की चाहत में। लेकिन दुख इस बात का हुआ, जिस खजाने को पाने के लिए भागे थे वो खजाना खाली मिला है। बाबा नंद रोने लगे हैं लाला कन्हैया। जो जहां जिस तरह बैठा था और वो उसी हाल में भाग पड़ा, उजड़ी बस्ती में एक साथ मानो जीवन रस जाई छोड़ करके गए, ऐसे छोड़ गए जैसे हमारे और कन्हैया के बीच कोई रिश्ता नहीं था। भगवान कन्हैया की याद करके बाबा नंद मैया यशोदा दोनों लोग आंखों में आंसू ला करके बोले हैं, बात ये है उधो कि वृंदावन के सब ग्वाल बाल और आंसू के घूंट पी रहे हैं,
जवाब दिया है। मैं ये जानती थी कन्हैया हमसे दूर चला जाएगा, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कंस के मरने के बाद उन्हें राज्य का और जनता का लोभ आ जाएगा। गैया बछड़ा तिनका तक नहीं उठाती है कन्हैया की याद में। उधो उधो बोले मैया यशोदा से, मैया तुम तो पूछती हो कन्हैया कभी हमारी भी याद कर लेते हैं। अरे कन्हैया तुम्हारी सौभाग्य जो तुम्हारा बालक बने हैं, कन्हैया जो संसार का पालन करता है उन्हें भला किसकी याद नहीं रह सकती है। तुम्हारे बालक बने हैं वो तो संसार को पालने वाले हैं। मैया यशोदा को इस तरह से समझाया है। रात व्यतीत करने के बाद जब सवेरा हुआ है तो उधो स्वच्छ क्रिया के लिए बाहर निकल पड़े हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकले हैं उधो तो क्या देखा, कितनी बैल बालाएं भगवान कन्हैया के वियोग में बैरागिन बन गई हैं। जिस दिन से कन्हैया गए हैं न तो कपड़ों का ध्यान है न तन का ध्यान है, देखा है उधो ने। देखा भगवान कन्हैया की याद में एक नहीं अनेकों का बुरा हाल है। आगे बढ़कर के एक पनघट पे पहुंचे हैं तो देखा क्या, अगर एक ने घड़ा भर लिया तो घर जाने की खबर नहीं है, अगर किसी ने घड़ा को कुएं में डुबो दिया तो बाहर निकालने की खबर नहीं है। भगवान कन्हैया की बातें कर रही है सहेली। कन्हैया चले तो गए लेकिन जाने पर भी विश्राम नहीं लेने देते, रातों को आकर के हमारी नींदों में हमें परेशान करते हैं वो कन्हैया, रात रात भर तंग करते हैं नींदों में आकर के। कन्हैया को बुरा भला कहने लगी, अरे निर्मोही जाने पर भी हमें सुख से चैन से क्यों नहीं सोने देता, रोकर के गोपियां कहती हैं। तंग करता है नींदों में आकर, अरे कन्हैया तंग करता है नींदों में आकर, बेवफा तेरा मासूम किया।
जवाब दिया है जहाँ गोपियां आपस में बातें करती हैं, सहेली आज कन्हैया सपनों में आए, वो आकर के जब जाग जाते हैं तो तरसते हैं कन्हैया को देखने के लिए, और सोते में भी हमसे दूर दूर भागते हैं। बात ये है सहेली, अब तड़पा रहा है सपनों में अपनी मोहनी सूरत दिखा करके सहेली। दिन रात उपद्रव करते जब वृंदावन में आते, अब जागे तो तर साते सोते हैं तो लगते, हाँ जागे तो तर साते जवाब दिया है सहेली। आज रात सपने में मैंने कन्हैया को देखा, चाहे सपने में मानो चाहे जाहिर में मानो, लेकिन कन्हैया को मैंने देखा है। दूसरी बोली, कन्हैया आएंगे नहीं, कब तक नहीं आएंगे, जब तक हम जैसी गोपियां उनके बिरह में तड़प तड़प के नहीं मर जाएंगी तब तक वो कन्हैया नहीं आएंगे, क्योंकि वो कन्हैया और इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और जब आएंगे उनके भी रही अरे तड़प कर जाएंगे।
हम जैसी गोपियां उनके विरह में मर नहीं जाएंगे। यहां गोपियों का इस तरह से बुरा हाल है। एक बोली, अगर अब दोबारा कन्हैया को पा जाऊं फिर जिंदगी में खोने नहीं दूंगी, कभी कन्हैया को दूर नहीं होने दूंगी अपने हृदय से। अब तो गोपियां इस तरह से आपस में बातें कर रही थी, लेकिन आगे उधो आगे बढ़े हैं और उधो ने ये कहा है, गोपियों एक बात बताओ, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, अभी तक तुमने जल नहीं भर पाया। अरे इतने समय तक तो भक्तों के यहाँ भोजन प्रसादी हो जाती है, अब तुम कब जाकर के भोजन बनाओगी और कब फिर भोजन करोगी। ललिता कहने लगी, एक बात बताओ, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, क्या तुम्हारा नाम है। वो तो बोले हैं, तुम नहीं जानती हो, हम मथुरा नगरी से आए हैं, भगवान कन्हैया ने भेजा है तुम जैसी गोपियों को समझाने के लिए, प्रेम पत्र लेकर के आए हैं। पत्र भेजा है उस कन्हैया ने, भला खुद ना आ सका और इतनी वर्षों के बाद आज पत्र भेजा है। खैर कोई बात नहीं, उधो को बिठा लिया है गोपियों ने। उधो बोले हैं, गोपियों कन्हैया बड़ा लाचार है, उसके पास समय न होने का कारण है, कन्हैया भूला नहीं है। एकदम से राधा की आंखों में आंसू आ गए, अगर भूले न होते तो आज तक हमारे पास नहीं आते क्या। कन्हैया मैंने तेरे लिए दुनिया के न जाने कितनी बोलों को सहा। बोली जवाब दिया है। कन्हैया के लिए मैंने सबकी बातें सुनी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि कन्हैया हमें छोड़कर के भी जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं,
छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, बात ये थी ना कन्हैया। उसमें बातें करने लगी है। उधो बोले हैं, गोपी तुम तो इतनी व्याकुल हो गई हो, कन्हैया तुम्हें भूले नहीं, सिर्फ दूरी हृदय से दूरी नहीं है केवल कन्हैया, तुमसे मथुरा चले गए हैं, वृंदावन से केवल इतनी दूरी है। बात ये है, कभी करीब थे और अब दूरियां भी है। जवाब दिया है उधो ने, गोपियो जिस प्रेम के बंधन में तुमने कन्हैया को विवश बना दिया, वही प्रेम उधर जनता का प्रेम भाव आत्मा को जकड़े जाता है, कन्हैया तुम्हें भूले नहीं है। राधा व ललिता कहने लगी, कन्हैया अब तो तुम्हें प्रेम वो मिल ही जाएगा, क्योंकि अब तो राधा की क्या जरूरत है, अब तो तुम उसको विजय से प्रेम करने लगे हो। और बोले, तूने दिल पे रखे वो सक मेरे हो, दिल पे तूने दिल
सुविजा के प्यार में फंस गए हैं कन्हैया, राधा ललिता की याद कहाँ आएगी। उद्धव बोले हैं तुम्हें नहीं मालूम है गोपियों, कन्हैया बड़े लाचार हैं, तुम सब गोपियों के लिए पत्र भेजा है। एकदम से गोपियां कहने लगी हैं भला जिसे मन चाहा न मिलकर के शांति आई हो, ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बनाएगा, पत्र जैसे खोल पर के पड़ा है तो राधा ललिता सबके लिए कन्हैया की तरफ से आशीर्वाद लिखा है। एकदम से एक सखी शीला नाम की जो थी वो कहने लगी है उद्धव कन्हैया ने ये पत्र लिख करके भेजा है और ये कहा है कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, अब क्या राधा जैसी भोली राधा से रिश्ता तोड़ दिया है, चोरी करना वो भूल गए क्या, क्या गुलचे खाना भूल गए कन्हैया। जाते तुमने गोपियों के लिए योग के लिए पत्र लिखकर भेज दिया, क्या चोरी करना छोड़ दिया है। भगवान कन्हैया ने उद्धव से और ये बात और कही कि जितना भी गोपियों के हृदय में हमारे प्रति नफरत भर पाना उतनी नफरत भर किया। भगवान कन्हैया के बारे में समझा करके बोले हैं उद्धव कन्हैया तो छलिया है, तुम्हारे साथ जितने दिन रात खेला खाया और तुम्हें छोड़ करके चला गया है, भला तुमसे अगर प्यार होता तो लौट के नहीं आता, अब तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। एकदम से बोली है गोपियां तुम नहीं जानते उद्धव कि उद्धव मन न भय भागा है
और तुम क्या हमारे प्राण लेने आए हो? उधो भगवान कन्हैया से दिल लगाने से कुछ नहीं होगा, अब तुम ऐसा करो निराकार ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां बोली कौन से मन से निराकार ब्रह्म की उपासना करें, एक मन था वो भी कन्हैया के साथ चला गया, अब भला कौन से मन से निराकार ब्रह्म की उपासना करें। उद्धव बोले गोपियों मैं तो तुम्हें ग्वालिन गवालिन समझते थे लेकिन आज समझ में आया है। गोपियां बोली कन्हैया राधा के बोली है उदो मेरा विचार वो नहीं है, मेरा विचार कुछ और है। दुनिया के लोग कहें कुछ भी और हम एक धारणा धारे चाहती थी हमारा बाग हरा भरा बना रहे। उधो बोले गोपियो आज मेरी समझ में आया कि तुम कोई गवारिन गोपिया नहीं हो। बोले कि दरअसल तुम्हारी नजरों में वरना नहीं we'll be right back.
तुम्हारी दासी है, ज्ञान तुम्हारा चेला है, मैं तुमसे हार मानता हूँ। गोपियों, भगवान कन्हैया के बारे में बहुत समझाया है, जरूर आएंगे। सोचो दूर है कन्हैया, कन्हैया तुमसे दूर नहीं है, दूरी सिर्फ इतनी है। समझाया है गोपियों को, समझाने के बाद उद्धव वृंदावन की ओर चले जाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया को निराकार रूप में उनकी पूजा करने लगती हैं, उनका ध्यान करती हैं। इधर उद्धव गोपियों को छोड़कर के वृंदावन की ओर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने यह हमारा प्रोग्राम अजय कैसेट कंपनी एटा की ओर से सुनने को मिल रहा है, जिसके रिकॉर्डिंग करता है अजय भैया, और हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं जो सोनू भैया खिरना कलाक से, चिमटा पर मधुर झनकार दे रहे हैं हमारे छोटे भैया प्रिय शिष्य गोपाल शास्त्री, घड़ा पर झनकार दे रहे हैं नीलेश भैया जो गांव सलेमपुर की ओर से, और हमारे करीब में बैठे हैं बलवीर गुरुजी, ये जो डिस्ट्रिक्ट बदायूं कादर चौक की ओर से, और हमारे पास में बैठे हमारे पिताजी श्री हरकेश यादव, और मधुरी
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा, मोबाइल नंबर 9719111452।